मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की सियासत उबली। देश के साथ सियासत भी अनलॉक। कांग्रेस के 110 विधायक लॉक। कांग्रेस के विधायक हुए पॉलिटिकल क्वारंटाइन। मध्य प्रदेश का किसी ने देखा, हर किसी ने देखा कि कैसे कमलनाथ सरकार मुरझाई और कैसे मध्य प्रदेश में शिवराज का राज वापस आया। ऐसे में कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस की अपार सफलता के बाद और मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस के हिट होने के बाद अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की नजर राजस्थान और किस तरह से सत्ता पक्ष सियासत की बिसात पर विपक्ष के हर मोहरे को मात दे रहा है, उसकी वानगी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कथित वायरल ऑडियो में हर किसी ने सुन लिया। ऐसे में अब राजस्थान में भी सियासी उठापटक शुरू हो गई है। राजस्थान में भी कांग्रेस के हाथ को हटाकर सत्ता पक्ष बीजेपी का कमल खिलाने के जुगाड़ में जुट गया है, जिसका शंखनाद बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव से कर भी दिया। राजस्थान में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान होना है, जहां कांग्रेस ने राज्यसभा सीटों के लिए केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी ने भी राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत को चुनावी मैदान में उतारकर राज्यसभा चुनाव को भी सुर्खियों में ला दिया है। अगर राजस्थान के राज्यसभा के चुनावी गणित को समझा जाए तो पता चलता है कि जहां कांग्रेस के पास अपने 107 विधायक हैं और आरएलडी का एक विधायक, निर्दलीय 13 विधायकों और बीटीपी और माकपा के विधायकों का समर्थन है कांग्रेस को, वहीं पर बीजेपी के पास अपने 72 विधायक हैं और उसे आरएलपी के 3 विधायकों का भी समर्थन है। इस समीकरण के हिसाब से राजस्थान में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की तरफ से यह बयानबाजी शुरू हो गई है कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को अपने खेमे में करने के लिए उन्हें कई लुभावने प्रलोभन दे रही है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस बाबत सवाल पूछे जाने पर कहा कि उन्हें नहीं पता कि किस विधायक को कैसे पैसे ऑफर हो रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। सचिन पायलट को भले ही खबर ना हो, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को बीजेपी की तरफ से खरीद फरोख्त के लिए फोन आया था और ऐसा बसपा के विधायकों का कहना है। तभी से कांग्रेसी खेमे में सियासी हलचल तेज है और कांग्रेस ने अपने 110 विधायकों को जयपुर दिल्ली रोड स्थित शिवविलास रिसोर्ट में लॉक कर दिया है। उधर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है। ये कहकर न सिर्फ अशोक गहलोत ने मध्य प्रदेश के बड़े और दिग्गज चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर निशाना साधा, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि भले ही मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस सफल हो गया हो, लेकिन राजस्थान में कमल खिलना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत अपने कांग्रेसी और समर्थक पार्टी के विधायकों को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है, तो फिर अपने 110 विधायकों को जयपुर और दिल्ली रोड स्थित शिवविलास रिसोर्ट में पॉलिटिकल क्वारंटाइन क्यों कर रहे हैं? और जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के सबसे चमकदार चेहरे को अपने खेमे में कर कमलनाथ का तख्ता पलट कर दिया, उसी के चलते कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान के सबसे चमकदार चेहरे को लेकर भी असमंजस में, क्योंकि जो सियासत में मध्य प्रदेश में कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया में थी, वही सियासत राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में भी बरसों से चली आ रही है।